हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग समझेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विकेरियस लायबिलिटी। ठीक है, आप विकेरियस लायबिलिटी बोलिए, विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो विकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना केवल अपनी खुद की नेग्लिजेंस के लिए बट ऑल्सो फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ हिज एम्प्लॉई। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं या फिर विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है जहाँ पर एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय की नेग्लिजेंट एक्ट के लिए ज़िम्मेदार हैं, ये बेस्ड है ऑन द लेटिन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्डेड सुपीरियर। ठीक है, या हम कहें कैप्टन ऑफ द शिप डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो ये जो विकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट है वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा। ऐसा नहीं है कि विकेरियस लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हर जगह फॉलो होता है, तो कुछ कंडीशंस होती है जो कि हमारी फुलफिल होनी चाहिए तभी हमारी ये जो डॉक्ट्राइन है विकेरियस लायबिलिटी की वो एस्टेब्लिश होती है। अब इसको हम तीन पॉइंट पर अगर समझें तो देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय की नेग्लिजेंट एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नंबर वन कंडीशन क्या हुई? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है? जो भी नेग्लिजेंट कंडक्ट है एम्प्लॉय का मस्ट हैव अकर्ड विद इन द स्कोप ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तभी कंसेप्ट होगा किसका? विकेरियस लायबिलिटी का। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? इट शुड हैव अकर्ड वाइल ऑन द जॉब। ठीक है, तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए तभी एम्प्लॉयर लायबल होते हैं फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, विद इन द स्कोप ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, एंड इट शुड हैव अकर्ड वाइल ऑन द जॉब। ठीक है, अब हम लोग सिचुएशंस देखते हैं जहाँ पर जो एम्प्लॉयर हैं वो विकेरियसली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ अदर। लाइक सीनियर डॉक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ जूनियर डॉक्टर, इंटर्न और एन असिस्टेंट वर्किंग अंडर हिज सुपरविजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा। या हम कहें हॉस्पिटल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ इट्स डॉक्टर। ठीक है, या हम कहें दो या दो से ज़्यादा डॉक्टर जब पार्टनरशिप में एक्ट कर रहे होते हैं तो ये लोग भी एक दूसरे की नेग्लिजेंस के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। ठीक है, या डॉक्टर ने जानबूझकर अपने मरीज़ को किसी इनकम्पिटेंट डॉक्टर के पास भेजा, तो क्योंकि उन डॉक्टर साहब को तो पता था जहाँ पर आप रेफ़र कर रहे हो वो डॉक्टर इनकम्पिटेंट हैं। ठीक है, तो ये जो रेफरिंग डॉक्टर हैं ये विकेरियसली रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ इनकम्पिटेंट डॉक्टर। या डॉक्टर साहब ने क्या काम किया? इलेजिबल प्रिस्क्रिप्शन लिखा, और फार्मासिस्ट ने क्या काम किया? रॉन्ग ड्रग को डिस्पेंस कर दिया। तो यहाँ पर डॉक्टर विकेरियसली लायबल हैं क्योंकि इलेजिबल प्रिस्क्रिप्शन उनका था। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन में एक जो बंदा होता है एम्प्लॉयर होता है वो विकेरियसली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ अदर। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर इंसान विकेरियसली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ अदर। जैसे हमने कहा कि दो या दो से ज़्यादा डॉक्टर पार्टनरशिप में एक्ट करते थे तो दोनों एक दूसरे की नेग्लिजेंस के लिए ज़िम्मेदार थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन हमारा जो है वो क्या है? सर्जन एंड एनेस्थेटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दो या दो से ज़्यादा डॉक्टर साइमल्टेनियसली अटेंड कर रहे हैं लेकिन फिर भी सर्जन अपने नेग्लिजेंस के लिए ज़िम्मेदार होगा और एनेस्थेटिस्ट अपनी नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ विकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे क्वालिफाइड नर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही हैं, तो जब वो किसी के सुपरविज़न में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो डॉक्टर भी उनके लिए विकेरियसली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा था कि डॉक्टर साहब ने किसी इनकम्पिटेंट डॉक्टर को अपना मरीज़ रेफ़र किया,
जानते हुए भी, लेकिन यही वो अपना मरीज़ रेफ़र करते जिसमें कि रिक्वायरमेंट था किसी कंपिटेंट डॉक्टर के पास, ठीक है। तो अब यहाँ रेफरिंग डॉक्टर जो है वो विकेरियसली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ अदर। वहीं जब हमने कहा इलेजिबल प्रिस्क्रिप्शन था डॉक्टर साहब का, ठीक है, तब वो ज़िम्मेदार थे, लेकिन यही प्रिस्क्रिप्शन अगर डॉक्टर साहब का एकदम क्लियर होता, लेजिबल होता, और उसके बावजूद भी फार्मासिस्ट ने रॉन्ग ड्रग डिस्पेंस की होती, तो अब डॉक्टर लायबल नहीं होंगे। मीन्स कंसेप्ट हमारा विकेरियस लायबिलिटी का फॉलो नहीं होगा। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट द मेडिकल नेग्लिजेंस। इसमें बात हम लोगों ने करी एम्प्लॉयर के बारे में और एम्प्लॉय के बारे में, कि एम्प्लॉयर जो है अपने नेग्लिजेंस के लिए तो ज़िम्मेदार है ही है, साथ में जो भी उनके एम्प्लॉय होते हैं अगर उनसे भी कोई नेग्लिजेंट एक्ट होता है तो उस चीज़ के लिए भी ज़िम्मेदार होते हैं। तीन चीज़ें बस देखनी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, द नेग्लिजेंट कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉय अकर विद इन द स्कोप ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एंड इट शुड अकर्ड वाइल ऑन द जॉब, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ों से देख लिया कि कहाँ पर जो है विकेरियसली रेस्पॉन्सिबल हो गए आप और कहाँ पर नहीं हो गए। तो ये पूरा कंसेप्ट हमारा समझ में आ गया विकेरियस लायबिलिटी के बारे में, जो कि एक डिफेंस है अगेंस्ट द मेडिकल नेग्लिजेंस। थैंक यू।